हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ट्रैक। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनु इमैनुअल की 5 बेस्ट मूवी के बारे में, जिसकी हिंदी डबिंग के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ऑल्सो मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। एंड गाइज, अगर आप भी अनु इमैनुअल की बिग फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, इस लिस्ट में सबसे पहली मूवी का नाम है सूर्या द सोल्डर, जो कि 2018 में रिलीज़ हुआ है। अगर इस मूवी की बात करें तो ये एक एक्शन एंड रोमांटिक मूवी है। इस मूवी के स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन के साथ अनु नज़र आने वाली हैं। ये मूवी काफ़ी हिट रही है। अगर इस मूवी की हम IMDb रेटिंग की बात करें, इस मूवी को 6.8 रेटिंग मिला है। अगर हम इस मूवी की लाइक की बात करें तो गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 92% लाइक करा है। काफ़ी हिट मूवी रही है गाइज। इस मूवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इस मूवी को देखकर जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि ये मूवी आपको कैसे लगी। अब बात करते हैं अगली मूवी के बारे में। नेक्स्ट मूवी का नाम है ऑक्सीजन, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई है। ये एक एक्शन एंड रोमांटिक मूवी है। अगर इस मूवी की बात करें तो इसमें आपको गोपी चंद नज़र आने वाले हैं अनु के साथ, और इस मूवी में आपको राशि खन्ना भी नज़र आने वाली हैं। इस मूवी की अगर बात करें तो 2017 में ये मूवी रिलीज़ हुआ है। इस मूवी को 5.5 IMDb रेटिंग मिला है और ये मूवी को 87% गूगल यूएस ने लाइक करा है। तो इस मूवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस मूवी को देखकर मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी कैसे लगी। इस लिस्ट में अगली मूवी का नाम है थुपारी वालन, जो कि 2017 में रिलीज हुआ है। ये एक एक्शन एंड थ्रिलर मूवी है। अगर इस मूवी की बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट में आपको विशाल के साथ अनु नज़र आने वाली हैं। वहीं अगर इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को 7.5 IMDb रेटिंग मिला है। अगर इस मूवी की यहाँ पर गूगल यूजर लाइक की बात करें तो 93% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक करा है। इस मूवी की लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सो गाइस, इस लिस्ट में अगली मूवी का नाम है सेल्स आर रेडी, जो कि तड़ाका टू के नाम से हिंदी में डब होकर आई थी। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो इस मूवी में आपको यहाँ पर नागा चैतन्य मेन रोल में नज़र आएंगे अनु के साथ। ये एक ड्रामा एंड एक्शन मूवी है। अगर इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो इस मूवी को यहाँ पर 5.1 रेटिंग मिला है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक करा है। 2018 में ये मूवी रिलीज़ हुआ था 13 सितंबर को। इस मूवी को देखकर मुझे बताओ कि ये मूवी आपको कैसे लगी। लिंक मैंने आपको इस मूवी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस लिस्ट में अगली मूवी का नाम है मजनू, जो कि 2016 में रिलीज़ हुआ है। ये एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अनु के साथ आपको नज़र आने वाले हैं नानी मेन रोल में। इस मूवी की IMDb रेटिंग की अगर बात कर लें, इस मूवी को 6.5 IMDb रेटिंग मिला है और गूगल यूजर्स ने इसको 89% लाइक दिया है। इस मूवी की बात करें तो 16 करोड़ में ये मूवी बनी हुई है। इस मूवी को देखकर जरूर से मुझे बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी गाइज। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि अनु इमैनुअल की 5 बेस्ट मूवी कौन सी है। अगर आप इनके फैन हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक शेयर जरूर से करना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे बहुत सारे साउथ मूवी की हिंदी डबिंग अपडेट के लिए गाइज। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।